नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आप और हम जो अपने घरों में सुरक्षित है ना, आप और हम जो इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, आपको अंदाजा नहीं कि आप और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं। क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आगरा की एक तस्वीर। जी हां, वही आगरा जिस आगरा मॉडल की दुहाई दे रहे थे बीजेपी आईटी सेल वाले। आगरा के अंदर आप देखिए, यह तस्वीर है, यह वीडियो है एक क्वारंटीन सेंटर का। इस दरवाजे के पीछे, गेट के पीछे तमाम कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं और इनको साथ देखिए किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह से इनको पानी फेंका जा रहा है, बिस्किट्स फेंकी जा रही हैं। मानो ये इंसान नहीं है, मानो इनका अपना खुदा भी नहीं है। और इनके साथ ऐसा बर्ताव कौन कर रहा है? इनके साथ बर्ताव वो कर रहे हैं जिनके पास तमाम तरह के प्रोटेक्शन किट्स हैं। ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है, ये वीडियो ये लगातार आपको बतला रहा है कि बावजूद इसके कि मेडिकल वर्कर्स को पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल गए हैं, उनमें फिर भी विश्वास नहीं है। इससे पता चलता है कि कोरोना संकट के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें कितने ज्यादा छेद हैं, कितने जबरदस्त लूप होल्स हैं। इस तथाकथित आगरा मॉडल का वीडियो वाकई मुझे निशब्द कर रहा है और सबको करना चाहिए, क्योंकि यह बता रहा है कि कोरोना वायरस सही मायनों में मरीज और वो शख्स जो अभी इससे संक्रमित नहीं है उसमें कितनी बड़ी दूरी बना रहा है। और हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? हमारे राजनेता इस वक्त भी हमारे बीच मेंटल डिस्टेंसिंग बनाने का काम कर रहे हैं, मानसिक दूरी बनाने का काम। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि तीन लोग दो दिनों में एक ही किस्म का संदेश देते हैं। सबसे पहले आपके सामने सरसंघ चालक मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। मोहन भागवत कह रहे हैं, अगर कोई गलती करता है तो पूरे समूह को नहीं लपेटना, पूरे समाज से दूरी नहीं बनानी चाहिए। 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है और अपना बंधु है। डॉक्टर मोहन भागवत ने यह बात कही है तबलीगी जमात मरकज मामले के बाद, जो पूरा प्रकरण हुआ है। क्योंकि उसके बाद हो क्या रहा है कि देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का काम या सोशल बॉयकॉट का काम शुरू हो गया है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और कुछ यही बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भगवान ने जब दुनिया बनाई थी तो उन्होंने इंसान बनाए थे, दीवारें तो हमने बनाई। अगर हमारे देश के सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से काम करेंगे तो हमारे देश के आगे सारी दुनिया को झुकना पड़ेगा। यही संदेश अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं। जी हां, अब गौर कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में क्या कहे। रमजान दिस ईयर इज टेकिंग प्लेस व्हाइल वी आर इन द मिड्स ऑफ अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19। रमजान एक ऐसे दौर में हो रहा है, एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम कोरोना संकट से मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं, अगर हम सही वक्त पे सही प्रिकॉशंस उठाएंगे तो आने वाले ईद उल फितर में हम सामान्य तरीके से इसका लुत्फ उठा पाएंगे, ईद मना सकेंगे। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि इस सीख से कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सबक नहीं ले रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप जानते हैं इस वीडियो में यह शख्स क्या कर रहा है? यह अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। और यह कौन है? यह तबलीगी जमात का एक शख्स है। जी हां, वही तबलीगी जमात जिसके चलते देश में कई हिस्सों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला। आज कम से कम 300 तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इनका ब्लड प्लाज्मा कोरोना वायरस से लड़ने के काम आए। हम जानते हैं दोस्तों कि तबलीगी जमात से ढेरों गलतियां हुई, क्योंकि जो लोग इस आयोजन में आए थे, खासकर ऐसे देशों से जो लोग आए थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, इन्हें उसी वक्त क्वारंटीन कर देना चाहिए था। फरमान जारी हुआ था कि इस तरह की आयोजन ना हो तो तबलीगी जमात या निजामुद्दीन में इस तरह का आयोजन ही होना चाहिए था। मगर आपने भी तो गलती की ना, आपने भी सरकार से यह नहीं पूछा कि आखिर तबलीगी जमात के ये विदेशी डेलीगेट्स हमारे देश में प्रवेश कैसे हुए। क्योंकि हमारी सरकार तो 15 जनवरी से मुस्तैद है ना, 15 जनवरी से हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जो कोरोना वायरस से संक्रमित है।
चलिए मैं आपकी इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि ये जो तमाम तबलीगी जमात के लोग थे ये 15 जनवरी से पहले आए। तो फिर आपने क्या कभी खुद से ये सवाल पूछा कि ये आयोजन, इसकी अनुमति गृह मंत्रालय ने क्यों दी, दिल्ली पुलिस ने क्यों दी? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जहां ये मरकज हुआ उसके बिल्कुल साथ में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, वो क्या कर रहे थे? ये तमाम बातें मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, मगर ये वीडियो फिर देखिए। तबलीगी जमात का ये शख्स अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। अगर हम इन्हें कसूरवार ठहराते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा कसूरवार उन अथॉरिटीज का है जिन्होंने इस मरकज को होने दिया। मगर अब जबकि गलती हो गई तो हमें भविष्य की ओर देखना है, हमें देखना है कि इस तरह की घटनाएं हम में दोहराव पैदा ना करें। और कहीं ना कहीं चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जिन्होंने खूबसूरत संदेश दिया रमजान के मौके पर, या मोहन भागवत, अरे कम से कम डॉक्टर मोहन भागवत की तो सुन लो, बताओ ना सुनोगे या नहीं मोहन भागवत की? क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत की इस अपील के बावजूद, प्रधानमंत्री की इस अपील के बावजूद, अरविंद केजरीवाल की अपील के बावजूद इसकी अनदेखी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर बीजेपी का सबसे हाई प्रोफाइल प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। मुझे लगता है डॉक्टर संबित पात्रा, मैं खैर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं करता हूं फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि शारीरिक दूरी बनाए रखने की बात करता हूं। मगर आपको एक तकलीफ है, बीमारी नहीं कहूंगा मैं, आपको एक तकलीफ है मेंटल डिस्टेंसिंग की। आप लोगों में मानसिक दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, आप असल जिंदगी में ऐसे नहीं हैं। मगर मैं नहीं जानता हूं कि आप किसे अपनी इस नफरत को जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इनके ट्विटर टाइमलाइन से, एबीपी न्यूज का एक डिबेट हुआ था जिसमें ये शरीक हुए थे कि फल की दुकान में क्यों हिंदू मुसलमान, ठेले के आगे भगवा बैनर लगाने से झारखंड में विवाद, देखिए इसी मसले पर चर्चा, जिसमें डॉक्टर संबित पात्रा शरीक हुए थे। और डॉक्टर संबित पात्रा क्यों शरीक हुए थे मैं आपको बताता हूं। अब इनका ये ट्वीट देखिए, पक्षपात क्यों? इसके अंदर एक तरफ है अरमान मुस्लिम होटल और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये दूसरी तस्वीर है, इसमें अगर आप जूम इन करें तो दिखाई देगा विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान। डिबेट इस बात को लेकर था कि आखिर फल की दुकानों में भी इस तरह से सांप्रदायिकता क्यों बढ़ाई जा रही है। तो इसके जवाब में संबित पात्रा ने यह स्क्रीनशॉट पेश किया अरमान मुस्लिम होटल का। बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ना, अगर यह फल की दुकान है जहां यह लिखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित फल की दुकान, तो दूसरी तरफ यह होटल भी तो है जिसमें लिखा हुआ है अरमान मुस्लिम होटल। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है डॉक्टर पात्रा। जहां तक बात है विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित फल की दुकान, तो इसके जरिए विश्व हिंदू परिषद लोगों को बता रहा है कि यह वो दुकान है जिस पर हमारी स्वीकृति है, जहां से आप फल खरीद सकते हैं। यानी कि लोगों में मानसिक डिस्टेंसिंग बताना, यानी कि मुसलमान जो फल बेचता है उसका सोशल बॉयकॉट करना, और यह कई जगहों पर हो रहा है। आपको याद होगा एक वीडियो सामने उभर कर आया था, मुंबई का वीडियो था, जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी के साथ था और वो कह रहा था कि मैं इस मुस्लिम फल वाले से सब्जी नहीं खरीदूंगा। यह दिक्कत है इस तस्वीर के साथ जिसमें लिखा हुआ है वीएचपी द्वारा अनुमोदित फल की दुकान। और रही बात यह दूसरी तस्वीर अरमान मुस्लिम होटल, यह होटल यह नहीं कहता कि इसमें सिर्फ मुसलमान आके खाएं, यह होटल यह भी नहीं कहता कि मेरे जैसे हिंदू यहां नहीं खा सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो बीच में एक मुस्लिम होटल पड़ता है, या तो दिल्ली से कॉर्बेट के बीच में। मैंने कभी यहां रुककर खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे वो जगह अपील नहीं की, धर्म की वजह से नहीं। मगर हां, जब मैं पुरानी दिल्ली जाता हूं तो मैं अल जवाहर होटल जरूर जाता हूं, करीम्स जरूर जाता हूं, और हमेशा जाके वहां खाना खाता हूं। मेरे लिए खाने की दुकान का फर्क नहीं है, मैं उसी खुशी के साथ
इंदौर के सराफा बाजार में जाके वेजिटेरियन फूड खाता हूं या सरवणा होटल में जाके डोसा खाता हूं, मगर इन लोगों के अंदर इस कदर जहर भरा हुआ है कि ये खाने में हमारे बीच में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। क्या डॉक्टर संबित पात्रा, मोहन भागवत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अनसुना कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री और मोहन भागवत की कथनी और करनी में फर्क है? क्योंकि जब आप सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब खाड़ी के अंदर जबरदस्त बवाल हुआ था तो उसके बाद उन्होंने एक संदेश दिया था कि कोरोना संकट जब हम पर हमला करता है ना, तो हमारा धर्म नहीं देखता, हमारी जाति, हमारा रंग नहीं देखता और हम इसका मुकाबला एक होकर कर सकते हैं। मगर बावजूद इसके कि डॉक्टर मोहन भागवत यह खूबसूरत संदेश दे रहे हैं, आखिर संबित पात्रा जैसे नेता जो हैं बीजेपी के, क्यों जहर फैला रहे हैं? पालघर के अंदर देखिए, एक ऐसे वक्त में जब हम सब इस संकट का सामना कर रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी ने पालघर को एक हिंदू मुस्लिम सियासत बनाने की कोशिश की, वहां पर एक काल्पनिक शोएब का प्रवेश करवाया जो कि नहीं था, वो थ्योरी धराशायी हो गई। उसके बाद कहा कि नहीं साहब, इसके पीछे वामपंथियों का हाथ है, वो थ्योरी भी धराशायी हो गई। अब संबित पात्रा का ये ट्वीट देखिए, इसके अंदर अब वो एक ईसाई धर्म गुरु का प्रवेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि देश में अराजकता फैलाने की, देश को बर्बाद करने की आप लोगों ने क्यों कसम खा ली है भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आखिर क्या वजह है कि आप इस तरह से समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं? अगर आपको वाकई पालघर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करना था, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना था। आपको यह खबर उठानी थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है। क्या आपको पता है कि पालघर के अंदर इस वक्त 20 जगह हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं? पालघर जो मुंबई से सटा हुआ है, जी हां, पालघर के अंदर कोरोना के 20 हॉटस्पॉट्स और यहां पर तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और क्यों नहीं बढ़ेगी, जब इस तरह से भीड़ खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में 3 बेकसूरों को मौत के घाट उतार देगी, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है केसेस बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि अगर कटघरे में रखते तो ऐसे रखते ना, इस मुद्दे पर रखते, और वो भी अपने घरों में बैठकर। इस बाबुल सुप्रियो, इस माननीय सांसद की तरह नहीं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की सारी धज्जियां उड़ा के इन महाशय ने अपने घर में यह आयोजन करवाया। क्यों? क्योंकि इनको ममता बनर्जी का विरोध करना था। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के तमाम उसूलों का पालन किया है, मगर इतने सारे सांसद इनके घर में पहुंचे कैसे, बताइए ना हमको। तो यहां पर एक के बाद एक सामने हमारे मिसाल सामने पेश आ रही है कि किस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता बुनियादी उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसूल तो दूर की बात, वो अपने ही पार्टी के जो सबसे शीर्षस्थ नेता हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी नेता इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बुनियादी मुद्दों पर हमारा ध्यान जाए। और बुनियादी मुद्दे क्या हैं? कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरह का मिसमैनेजमेंट किया है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। साथ ही गुजरात मॉडल, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जी हां, गुजरात इस वक्त देश के टॉप 2 राज्यों में से है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। और मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपके सामने रखना चाहूंगा। अलार्म बेल्स रिंगिंग इन अहमदाबाद, 19 डेथ्स इन वन डे, 67 इन वन वीक। खतरे की घंटी इस वक्त अहमदाबाद में है, गुजरात में है। 19 मौतें सिर्फ एक दिन में और 67 एक हफ्ते में, और ये अहमदाबाद है। राजधानी गांधीनगर से कुछ ही दूरी पर अहमदाबाद, जी हां, क्या कहता है इंडियन एक्सप्रेस? With 153 deaths from 3,319 positive cases, Gujarat has one of the highest known infection fatality ratio in the country. The high death rate could also point to a much larger prevalence of the disease in the population than has so far been detected. Gujarat has so far carried out 51,091 tests, which is less than half of what Maharashtra has done so far and significantly lesser than even Tamil Nadu with more than 80,000 tests. Iska kya matlab hua?
जिस तरह से जो इन्फेक्शन रेशियो है, इससे यह पता चलता है कि गुजरात बहुत कम टेस्ट कर रहा है, और अगर वो ज्यादा टेस्ट करेगा तो उससे यह पता चलेगा कि हालात वहां और भी बदतर हैं। मगर गुजरात के विजय रूपाणी ने क्या किया है, इस शख्स ने, इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दिया है। उन्हें लगता है खतरा आने तो आने दो, मैं अपनी गर्दन रेत में दफन कर दूंगा, खतरा टल जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है? बताइए ना, क्या गलत कहा मैंने? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए, और इस पर मैं बाद में आपसे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। यह खबर बतलाती है कि भारत में अधिक दामों पर कोविड टेस्ट खरीदे, अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उससे बात पता चली है। यानी कि जो हमने टेस्ट किट्स खरीदे थे वो ज्यादा दामों पर भारत सरकार ने खरीदे और किसी ने हमें चपत लगाई है। क्या कहती है ये खबर? द कोविड 19 टेस्ट वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट एट एन इन्फ्लेटेड रेट बाय द इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स। इट हैज इमर्ज फ्रॉम अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द इंपोर्टर दैट वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे पता चला है कि भारत सरकार ने अधिक दामों में कोविड किट्स खरीदे। और आपको यह भी याद होगा कि हमने जो चाइना से, यानी कि आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो चाइना से कोविड टेस्ट खरीदे थे, बाद में आईसीएमआर को, राज्य सरकारों को कहना पड़ा कि इन कोविड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल ना करें, इनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। देखिए, मैं जो आपके सामने तमाम मुद्दे उठाता हूं ना, ये सरकारी दस्तावेजों, सरकार के खुद की स्वीकारोक्ति के बुनियाद पर उठाता हूं, यानी कि सरकार के खुद के कबूलनामे पर। अब ये जो मैंने मुद्दा उठाया है कि सरकार को किस तरह से चपत लगाई गई है, ये अदालत में लड़ाई चल रही है। उसी तरह से जो खबर मैंने आपको बताई, आईसीएमआर ने खराब किट्स चाइना से खरीदे और बाद में राज्य सरकारों को कहा कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, कितना ज्यादा पैसा हमने पानी की तरह बहा दिया। इन तमाम मुद्दों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उन मुद्दों की तरफ नहीं जिसका ध्यान संबित पात्रा सरीके प्रवक्ता आपकी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरे आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।